Hello and welcome. It seems, doesn't it, that the news is just filled with terrible, depressing negativity all the time. In fact, as Indians, we must wonder sometimes is there anything to actually feel hopeful about? And yet today, we bring you a story that both moved us terribly but also gave us hope. It is simultaneously a story of how elitist, how unfair, how cruel our society can be, but it is also a story of how if people and sometimes children decide to fight the odds, they can, in, fa in fact, become anything they dream of. The headlines have been grabbed in the recent weeks by the story of young girls, village girls, really, originally from Jharkhand, who dreamt of playing football. They had to really fight the odds. Many of them come from very, very modest, impoverished, lower income backgrounds. They have to work at home, often contribute to the cleaning. Sometimes they've had to work in other people's homes to earn a living, even as their children, who should only be in school. And yet they have battled almost everything to pursue their dream of football. They did very well recently, winning a major club championship in Spain. But what's really horrifying is that when these girls went to apply for a passport just to get their birth certificate, they were slapped and pushed around, and in fact, made to sweep the floor of a local administrative office. What do the stories of these girls tell us about ourselves as a society? And does it give it reason to hope? What can we do to end, in a sense, the hierarchical nature of India? And listen to the stories of these girls. They've literally shattered all kinds of ceilings, all kinds of hurdles, jumping all kinds of hurdles to get.

पैसे देगी तब तब बना देंगे और नहीं उसका बात नहीं मानते थे तो वो बोला कि झाड़ू लगाओ और मेरी दो फ्रेंड को मारा भी था आपकी फ्रेंड को मारा भी था yes. जिसको मारा था वो यहाँ है ये आई है और एक नई आई है नीलमुनी को मारा था यस yes. लीलमुनी आपको मारा था यस yes. क्या हुआ बताओ वो तो पैसा मांगा था हम बोले कि पैसा नहीं है हम लोग हम लोग काम करने नहीं जाते हैं पापा हमसे मांगते थे तो डांटते थे उसका बाद देते थे पैसा तो फिर बोले कि कल ला देंगे तो बोला कि कल बना देंगे तो लोग तो हम फिर लेके गए पैसा तो बोला कि झाड़ू करेगी तब तो झाड़ू भी कर देने से तो नहीं बना देता था जल्दी फिर तो कौन बोला ये आपको कि आप झाड़ू कर दोगे तो आपको दे देंगे ग्राम सेवक जो बनाता था वही ग्राम सेवक आपको बोला कि झाड़ू करोगे तो आपको अपना पासपोर्ट मिलेगा तो बर्थ yes. सर्टिफिकेट मिलेगा yes. तो आपने फिर कोई जवाब दिया कि आपने फिर कहा कि चलो मैं मान ही लेती हूँ no, हम लोग बोले कि आपका थी बेटी सब नहीं है क्या आपका बेटी को भी ऐसा ही करने से कैसा लगेगा आपको तो वो बोले कि अच्छा बोला बहुत अच्छा बोला तो वो बोले कि अथी वो बोले कि ज्यादा मुंह लगाती है तो हम लोग बोले कि आप भी पहले बोले ऐसा इसीलिए ना बोल रहे हैं जैसा आप बोले उसका जवाब दे रहे हैं तो बोल रहे कि नहीं बना देंगे जाओ तो हम लोग बोले कि वो लोग जाएंगे और वहाँ पर आपका शिकायत करवा देंगे तो बोल रहे कि जाओ जाके बोल देना तो हम उसमें भी नहीं बना देंगे ऐसा बोल रहे थे तो हम लोग बोले कि मत बना दीजिए हम लोग जाके बोल देंगे तो उसका बाद कुछ होगा उसके बाद हम लोग को मत बोलिएगा कह के तो बोल रहे की हमको हमको एक सौ दो हम बना देंगे जल्दी तो हम लोग पर जब ऐसा बर्ताव किया उन्होंने जी जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया कि झाड़ू लगवाया थप्पड़ भी मारे तो कैसा लगा आपको हम लोग को उस टाइम बहुत बुरा लगा था हम लोग कोच सोच गए थे बना देगा पर गुस्सा आया रोना आया आप तो बच्चिया है ना गुस्सा आया रोना आया क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हो हम तो फिर भी अब बुढ़े ही हो गए एक तरह से हम तो लड़ाई भी लड़ सकते हैं लेकिन आप तो छोटी सी बच्ची हैं तो लगा कि चलो इसकी बात मान ही लेते हैं नहीं हम लोग शुरू बोला कि हम लोग नहीं करेंगे तो वो मारा फिर बोला कि नह, नहीं बना देंगे जाओ तो फिर हम लोग फिर बोले ठीक हम लोग कर दे रहे हम लोग को बहुत जरूरी, जरूरी था इसीलिए तो 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 कुसुम आप आ, कह रही है कि बहुत जरूरी था तो आपने सोचा बात मान ही लेते हैं इन लोगो की हा? हा, हम लोग को उसमें लग रहा था कि अगर एक चीज की वजह से हम लोग उतना दूर नहीं जा सकते हैं तो ये काम कर ही लेते हैं क्यों था इतना जरूरी इस टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए क्या क्या वैल्यू था ये आपके लिए हम लोग चाहते थे कि अभी हम लोग को कोई नहीं जानता है यहाँ से अगर हम लोग झारखंड से बाहर जाएंगे तो हर कोई हम लोग को पहचानेगा इसलिए हम लोग इस चीज़ में बहुत जोर हैं और ये चीज़ किए